नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। प्रयागराज में 12 जून को जो हुआ उसे संविधान और कानूनों का उल्लंघन कहा जा रहा है। उस दिन प्रयागराज के कराला इलाके में एक दो मंजिला घर को प्रयागराज नगर प्राधिकरण ने बुलडोजर से ढा दिया। इस घर में मोहम्मद जावेद अपने परिवार के साथ रहते थे। अधिकारियों से निर्माण संबंधित आवश्यक मंजूरी न लेने के आधार पर घर को मलबे में बदल दिया गया। हालांकि मामला इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर जावेद को जीवन भर का सबक सिखाने के लिए उनका घर गिराया गया। यूपी पुलिस जावेद को 10 जून की हिंसा का मास्टरमाइंड कह रही है, जो नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की थी। ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण की पटकथा न केवल जावेद को बल्कि उनके समुदाय को संदेश देने के लिए लिखी गई थी। राज्य प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी उन्हें बदनाम करेगा, चाहे वह सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के माध्यम से हो या धरना या विरोध मार्च के माध्यम से, उसका यही अंजाम होगा। मकान पर बुलडोजर चलाए जाने से एक दिन पहले जावेद को 10 जून की हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए हिरासत में लिया गया था। उसी दिन उनके घर के गेट पर एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें कहा गया था कि 25x60 फीट का निर्माण संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना जमीन पर पहली मंजिल पर किया गया है। जावेद की छोटी बेटी सुमैया के मुताबिक घर पर मालिकाना हक उनकी मां परवीन फातिमा का था। ये घर फातिमा को उनके पिता ने 2 दशक पहले उपहार में दिया था। सुमैया बताती हैं कि घर के दरवाजे पर चिपकाया गया नोटिस पिता के नाम पर था, न कि माता के नाम पर। नोटिस में 12 जून की सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का आदेश था। सुमैया का कहना है कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उनका घर अवैध रूप से बना है। घर का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली बिल समय पर भरा जा रहा था। अधिकारियों ने सुमैया के दावों का खंडन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 5 मई को मोहम्मद जावेद को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। परिवार ने ऐसा कोई नोटिस मिलने से इनकार किया है। बात जो भी हो, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि नोटिस जावेद को क्यों भेजा गया, जब वो संपत्ति के मालिक ही नहीं थे। घर पर मालिकाना हक जावेद की पत्नी का था, जिनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। इस प्रकार वह कानून के संरक्षण और निर्धारित प्रक्रिया की हकदार थी, जिसका पालन उनकी संपत्ति के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले किया जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए, संपत्ति के सही मालिक को उचित नोटिस देना, उसका जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देना, नोटिस का जवाब न मिलने पर आमने सामने बातचीत, एक अंतिम नोटिस देना जिसमें कार्रवाई की जानकारी दी गई है। ये प्रिंसिपल जस्टिस का सिद्धांत है, जो कानून के शासन के मूल में है और एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार इसका पालन करने के लिए बाध्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इन सिद्धांतों को यूपी सरकार ने हवा में उड़ा दिया, जो अब जज, जूरी और जल्लाद के रूप में काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।